मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां सूरज आग का गोला बनकर अपना कहर बरपा रहा है, वहीं भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में जल संकट की समस्या गहराने लगी है। ऐसा ही एक नजारा मंडला जिले के दीवारा गांव में देखने को मिला, जहां पानी के सभी स्रोतों ने साथ छोड़ दिया है। ग्रामीण रोजमर्रा के उपयोग के लिए नदी के पास गड्ढा खोद कर गंदा पानी पीने को मजबूर है। मंडला से महज 15 किलोमीटर दूर दीवारा ग्राम पंचायत है, जहाँ के लोग कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री की नल जल योजना के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत यहाँ दिखाई देती है। लोग गांव से आधे किलोमीटर दूर अपने परिवार समेत इस सुरपन नदी पर पहुँचते हैं, जहाँ फावड़े की मदद से गड्ढा खोद कर पानी की जुगत में पूरा परिवार लगा रहता है। 2000 की आबादी वाले ग्रामीणों ने कई बार अपनी पानी की समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। मीडिया वालों को और सबसे ज़्यादा सरकार को। दोबारा ग्राम की हूँ मैं, मेरा नाम पुष्पा यादव है, मेरे पिताजी का नाम राम कुमार यादव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पानी की है। पानी की वजह से बच्चे, हम नदी में गड्ढा करते हैं, फिर पानी छनाते हैं, फिर पीते हैं, इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। हम गरीब लोग, हमारे घर के बुजुर्ग सियाने पुरुष लोग सब बाहर जाते हैं शहरों में काम करने, हम लोग घर में रहते हैं, हमें बच्चे बीमार पड़ते हैं, फिर उनके पास फ़ोन करो तो वो आते हैं, इलाज करवाते हैं। पानी की वजह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, बनाने के लिए नहीं, बच्चे को हम कैसे पानी करें, मवेशी के लिए। आप जैसे बच्चों कम पानी पिलाएंगे, कमज़ोर होंगे, पानी की वजह से डॉक्टर का पानी पिलाओ, ज़्यादा लैट्रिन दस्त होती, पानी नहीं रहता तो डॉक्टर बोलेगा पानी ग्लूकोज का पानी पिलाओ, वो भी नहीं है यहाँ पर। पानी नहीं, गंदा पानी पी रहे हैं, कुछ भी दवा गोली करो, गंदा पानी से वो बीमारी पड़ रहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या समस्या, पानी जैसे आप कितनी दूर से लेने आते हो पानी? और पानी कम से कम आधा किलोमीटर दूर से लाते हैं। और किस तरह का पानी पीते हो आप? पूरी नदी से छनाते, गड्ढा करते हैं, फिर उसको छनाते हैं, फिर पीते हैं। क्या होना चाहिए यहाँ के लिए? नदी को पानी आना चाहिए नदी में। जो लाइट वाला नल लगा है वो नल चालू होना चाहिए, दो तीन साल हो गए, वो बस 100 के लिए लगाया गया। हर के आंगन में, हर एक घर में देखना सफ़ेद कलर की पाइप गड़ी, उसके बाद भी वो नल 3 साल हो गए नहीं चल रहा। सरपंच सचिव अध्यक्ष मेंबर को बोलो तो बोलते हैं ठेकेदार, जब सरपंच सचिव ठेकेदार से बात नहीं कर सकते तो वो बनने का के लिए हैं यहाँ। और जैसे यहाँ नदी किनारे कछार लगाया जाता है, जब पानी पर्याप्त नहीं, गड्ढा से कितना पानी प्राप्त निकलेगा? बस खूब से खूब निकले 10 लीटर, 10 लीटर में क्या हम टमाटर भट्टा में पानी डाल नहीं सकते, तो क्या वो जिंदा रहेंगे? वो तो सूख मर जाएंगे। यहाँ सब्जी की भी बहुत ज़्यादा, जब सब्जी धान भी, पानी नहीं है तो धान भी नहीं होता, गेहूँ भी नहीं होता, यहाँ सब चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। ये जो नल जल योजना के तहत जो ग्रामीणों में जो पाइपलाइन जो गड़ाई गई है वो समथिंग 2 साल करीबन हो गए, और इसके साथ साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट समथिंग 5 लाख के ऊपर का हुआ है। और इसके बारे में बोला जाए, जानकारी जब हम ले रहे हैं सरपंच द्वारा, तो सरपंच द्वारा बोला जा रहा है कि ये ठेकेदारी काम है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब यही उनका कहने का तात्पर्य। और बोला जाए तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कोई तरीके का, मतलब बोला जाए तो अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। ठेकेदार को सिर्फ भरना टाइप भरे हैं, वहाँ से पाइपलाइन बाहर बाहर बस गड़ा दी गई है। अंदर में जो गांव है वहाँ पे कहीं पे पाइपलाइन नहीं गड़ाई गई। और देखा जाए तो हमारा गाँव इतना सूखा पड़ रहा है कि आज की डेट में हम नदी नाले में झिरिया खोद के और पानी निकाल के और पानी का ठहराव करके पानी लेके आके और गाय बैल को और अपना पालन पोषण, मतलब पानी का यूज़ कर रहे हैं अपन लोग। और इसके साथ साथ जो नल बने हुए हैं, नल में भी पानी नहीं आ रहे हैं। इसके भी हमने दिखाया कि नल में जो है बिल्कुल पानी नहीं आ रहे हैं, नल भी ख़राब पड़े हुए हैं। इसमें सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब हम सरपंच सचिव के पास हम बोलते हैं तो बोलते आज नहीं तो कल बन जाएगा, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो ये बताइए, जब हैंडपम्प लगे हुए हैं ठीक है, वो नहीं चल रहे हैं, चलो भाई पाइपलाइन गड़ी हुई है, पाइपलाइन नहीं चल रहे हैं, है ना, तो कम से कम हैंडपम्प तो चालू होने चाहिए। जो आज की डेट से बोला जाए तो 2000 से यूज़ किया जा रहा है वो हैंडपम्प को, वो तक आज नहीं चल रहे हैं, तो ये क्या कर पाएंगे? इसको पाइपलाइन थोड़ा ना चालू कर पाएंगे। चलो, किस तरह से प्रभावित हो रहा है जब पानी ही नहीं है, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो जब वो है ही नहीं तो फिर उसके बाद किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं गाँव के लोग, क्या समस्या है? गाँव के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये बन रही है, जैसे कि बोला जाए तो नदी है अपनी, नदी के तीर में जो कछार है वहाँ पे टमाटर आलू वगैरह लगाया गया है, नदी में भी पानी नहीं है,
तो वहाँ पे झिरिया खोद के लेके जा रहे, थोड़ा बहुत पानी डाल रहे हैं, तब जाके वहाँ पे क्या निकल रहा है, अपना बोला जाए तो आलू वगैरह निकल रहे हैं, है ना। तो उसमें से जितना हो पा रहा तो हो पा रहा, नहीं तो पूरा अपने खेत बाड़ी से लेके सब चीज़ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। गर्मी की अभी शुरुआत हुई है, यदि ऐसे ही हालात रहे तो बाद की और क्या स्थिति बनेगी? बाद की परिस्थिति यही बनेगी, पानी पानी के लिए तरसेगी हमारे गाँव की जनता, नागरिकगण जो है बिल्कुल पानी पानी के लिए तरसेंगे, और भूखे तो वैसे चल ही रहे हैं, कल की डेट में पानी के भी प्यासे रहेंगे। आज तो पानी एक बूंद भी नहीं है अपने गांव में। क्या लिखते हैं? तो सर मेरा नाम अभिषेक रहदास है, मैं दोबारा गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू सर। हमारे यहाँ दोबारा ग्राम में जो है पानी की बहुत समस्या है, और कहना चाहिए लोग बाग बिल्कुल चुरू चुरू है, पानी के त्रास द्राक है हो रहे हैं, और कहना चाहिए कि मवेशी जो है, कहना चाहिए कि मवेशी सूख रही हैं बगैर पानी से, कहना चाहिए व्यवस्था पूरी, पेट भर पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए सर आपको हम निवेदन कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था जो है बना सकते हो तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो है नदी के पास अपने सब्जी भाजी भी, हाँ जी हाँ, से क्या प्रभाव पड़ रहा है उसमें? सूख रही है, पानी नहीं मिल रहा, सूख रहा है धंधा सब, कहना चाहिए कि पूरे सूख गए झाड़ झड़ू का, अब उसमें गरीब आदमी कहाँ से पल सकता है। पानी फिर कैसी व्यवस्था कर रहे हो सर? पानी अब क्या व्यवस्था है, अब है ही नहीं है सर, तो कोई मतलब ही नहीं निकले, झिरिया खोद रहे हैं, झिरिया खोद के भर भर के ले जाके झाड़ पौधा में डाल रहे हैं, फिर भी के बावजूद भी कहना चाहिए धूप के मारे जो है कोई यानी हल नहीं हो रहा है। चलिए आप सब्जी भाजी पे आश्रित हैं, तो लगता है आपको कि अब आपकी सब्जी भाजी नहीं हो रही सही ढंग से, तो परिवार कैसा पल रहा है? जी सर अब कैसा पलेगा सर, अब कहना चाहिए मजदूरी करते हैं, अपने 50 रुपये 100 रुपये मिलता है उसमें से गुजर करते हैं, क्या करेंगे भाई, परिवार तो नहीं पाल सकते हैं सब्जी भाजी से, क्यों पानी नहीं है इसलिए नहीं पाल सकते। समस्या है, होना चाहिए, हाँ इसकी हल होना चाहिए सर। चलिए क्या नाम है? रज्जूलाल नंदा। ठीक, ग्राम दोबारा है। समस्या जी पानी के बारे में बहुत परेशान है, दोबारा की आम जनता बहुत परेशान है समझ लो, कि देखो नदी में झिरिया निकाल निकाल के और पानी चुल्लू चुल्लू भर भर के ले जा रहे हैं, मवेशी को पानी पीने के भी नहीं है, हाँ नहाने के लिए अभी देखे 2-4-6 आदमी डटे हैं, सब लोग पानी नहा रहे हैं यहाँ पर, आप खुद देख रहे हो इतनी समस्या है पानी की। ट्यूबवेल लगा जरूर है पर वो अभी भी नहीं चला, वो शो के लिए है, शो के लिए है वो, हम उन्हें बोल भी नहीं सके सचिव सरपंच के, भाई वो ठेकेदारी कर दिया, बोले क्या करेंगे हम, ऐसा है। कितने वर्षों से वो कौन सा नल जल योजना लगी हुई, कितने साल से चालू नहीं हुआ? साल भर, दो साल तीन हो रहे, तीन साल दो साल हो गए, कम से कम 2 साल। ये समस्या आपने किसी को बताई अभी तक? अब हमने सरपंच के बताया साहब, अभी तक किसी को तो नहीं बताया, सरपंच साहब के कहे तो बोले वो तार चोरी हो गई, नहीं तो कहे वो ठेकेदार चला गया, क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं हम, अब वो भी दोष नहीं दे रहे हम लोग, क्या करो। अच्छा ये बताइए जानवरों के पीने की क्या व्यवस्था है? बस यही झिरिया से ले जाते हैं पानी और पिलाते हैं। उससे किस तरह की क्या क्षति हो रही है, मतलब या तो आप लोग ठीक तरह से रहने बीमार क्षति बीमार व्यवहार तो खैर बीमार की जगह है, बाकी परेशानी ढोने में मवेशी पानी नहीं पी रहे, टाइम टाइम से सूखत भी जा रही मवेशी, आप देख सकते हैं आप, और जो पानी कुछ गंदा वाला, जनता भी लोग भी सूख रहे हैं समझ लो, पानी पीने में बहुत बीमार भी हो रहे हैं, हमें खुद हाथ पाँव दर्द हो रहा है जो पानी पीने में, अब क्या बता दें हम, बड़ी परेशानी है साहब पानी में। क्या चाहते हैं? बस हमको पानी की सुविधा हो जाए, बढ़िया है तो खुशी आत्मा। अब जे कहा है कुछ लोग जो अपने घर घर बोरिंग करवा ले, अपन तो कहीं सही बता, पर छोटे आदमी इतने परेशान हैं कि देखो यहाँ आके पानी नहाते हैं, यहाँ से पानी ले जाएंगे मूड में रख के, तब अपने परिवार को पानी पिलाएंगे, बाल बच्चे को नहवाएंगे घर पर, छोटे छोटे कहाँ जा सकते हैं यहाँ पर, अभी भी जब नहाना है अभी देखें छोटे छोटे लड़के बच्चे भरी दोपहर ही हैं, 1 बजे 1.5 बजे 2 बजे 3 बजे बस नदी के किनारे पड़े रहते हैं सब लड़के लोग, बिल्कुल। चलिए क्या नाम? वही दीवारा ग्राम पंचायत सचिव कन्हैया साहू का कहना है कि नल जल योजना को लेकर प्रस्ताव बना कर दिया था, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। 3 साल पहले नल जल योजना चालू हुआ था, उस दिन से आज दिन तक नल जल की पानी मतलब सप्लाई नहीं किया गया। इसके बाद अपने 1 साल पूर्व फिर से नए सर्वे करके प्रस्ताव वगैरह सब नए लाइनिंग के लिए दिया गया है जो PHE विभाग को, तो आज दिन तक अभी तक काम चालू नहीं किया गया है। क्या कारण था कि वो चालू ही नहीं हुआ, क्या ऐसा क्या परेशानी आ गई थी? अब जानकारी के अनुसार तो बोर भसक जाने के कारण
वो सप्लाई चालू नहीं हुआ है। लेकिन ग्रामीणों का ये मानना है कि तैयार करके ठेकेदार ने ग्राम पंचायत को सौंप दिया, तो उसके बाद से कभी शुरुआत ही नहीं की गई, नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? बोर भसक जाने के कारण, ऐसी जानकारी सरपंच से लगने के बाद अपने को ये मालूम हुआ है। लेकिन ग्रामीण तो ये बता रहे कि ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। अब ये तो जानकारी अपने सामने तो अवगत नहीं हो, अपने तो सरपंच से यही जानकारी लगे कि बोर भसक जाने के कारण नल जल संचालित नहीं किया गया। क्या ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की नहीं बनती कि ग्रामीणों की समस्या सुनी जाए, जो कि दो कई वर्षों से वो परेशान है जल को लेकर? नहीं तो उस संबंध में अपने भी फिर से नया लाइनिंग के लिए और नया बोर के लिए सर्वे करके पूरा दो एक साल पहले से ही फाइल पूरा जमा कर चुका गया है जो पीएचई विभाग के लिए। संबंधित उच्च अधिकारियों को कभी इस बारे में जानकारी दी गई, कलेक्टर तक या फिर कुछ ऐसा? ये संबंध में तो खैर जानकारी अपने द्वारा तो नहीं दी गई। क्या नाम है? अय्यालाल साहू। फिलहाल देखना होगा कि भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों की समस्या का निराकरण कब तक होता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।